पद्मावती तो ऑलरेडी मेरे घर में मेरी मिसिस का नाम भी पद्मा है जी। तो उसके बारे में कुछ बोलना है तो बोलता हूँ। उस पद्मा की, उस पद्मावती के बारे में जब तक मैं देखूंगा नहीं फिल्म को तब तक कुछ बोलना उचित नहीं है और ठीक भी नहीं है वो बात। ये फेस्टिवल बहुत स्पेशल है क्योंकि लिरिक राइटर्स को, कवियों को एक ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, कवियों का आदर किया जा रहा है और आदिवासन के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसे गा रहे हैं। तरह तरह के कवियों ने जो गाने लिखे हैं, कमाल के गाने लिखे हैं, उनका जिस तरह चुना गया है तो वो सिलेक्शन बहुत खूबसूरत है। अभी तक हमने जितने लोगों को सुना बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह के प्रोग्राम्स जो हैं होने चाहिए जिससे कि सिंगर्स के साथ साथ हम उन कवियों को भी एक ध्यान से सुने जिन लोगों ने इतनी सुंदर रचनाएं लिखी। कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, ऐसा है कि हम 86 ईयर ओल्ड म्यूज़िक स्कूल है, हमारी एकेडमी बहुत पुरानी एकेडमी है और हम शास्त्रीय संगीत सिखाते हैं और हमारे पास कुछ बच्चे 4-5 साल पहले आके पूछने लगे कि मैम हमें क्लासिकल स्टेज पे गाने लायक बनने के लिए वक्त लगेगा, देर लगेगी, पर हम फिल्मी गाने गाते हैं, वो भी आसान काम नहीं है फिल्मी गाने गाना, पर वो बोलते हम गा लेते हैं तो हमको कभी मौका मिलेगा। तो हमने सोचा कि एक आजीवासन फेस्ट के नाम से क्यों ना हम ऐसे एक प्रोग्राम शुरू करें जिससे कि हमारे बच्चों को स्टेज का थोड़ा अनुभव मिले। हम कोशिश करते हैं अच्छे अच्छे कलाकारों को बुलाएं उनको सुनने के लिए और उनका प्रोत्साहन करें। मैं आपसे एक बात यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि इस बार आजीवासन फेस्ट का थीम हमने जो है लिरिसिस्ट को समर्पित किया है। तो इंडस्ट्री में अनेक लिरिसिस्ट रह चुके हैं, अभी भी हैं, और हमारे गुरुजी जो हैं बहुत अच्छे लिरिसिस्ट कम कंपोज़र थे। तो हमें शुरू से हमारी जो शास्त्रीय संगीत की सीख थी उसमें हमें समझाया जाता था कि अल्फाज जो हैं, लिरिक्स जो हैं, बहुत अच्छे से बोलना, उनको प्रोनाउंस अच्छे से करना, बंदिशें भी गुरुजी ने ऐसे बनाई कि बच्चे जो हैं अच्छा बोलना सीखें। तो हमें एक प्रोग्राम लिरिसिस्ट को डेडिकेट करना था जिसमें गाने तो गाए ही जाते हैं फिल्मी, पर लिरिसिस्ट के बारे में, उनके परिश्रम के बारे में, उनके मकसद के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में भी जिक्र हो। तो ये प्रोग्राम उस सिलसिले में, उस नियत से इस बार का थीम जो है हमने बनाया। ये सारी जो आर्टिस्ट को हमने बोला, हमने कोशिश की जितने लिरिसिस्ट हैं उनको इन्वाइट करें, हम जिनसे हम कॉन्टैक्ट कर सकें। तो कुछ ही लोग आ रहे हैं, बस नियत ये थी कि स्टूडेंट्स का प्रोत्साहन हो और स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई हो, उनकी उनको एनकरेज करें, बस उनकी मौजूदगी से यही हम चाहते थे फ़ायदा हो हमारा। ये इंस्पिरेशन हमारे गुरुजी के ही जो सीख थी उसी से हमको मिली है कि लिरिक्स जो हैं वो गाने में बहुत बहुत प्राधान्यता रखते हैं। क्लासिकल में अक्सर ये बोला जाता है कि हम शब्द प्रधान गायकी नहीं गाते हैं करते हैं, हम सुर प्रधान गायकी में बिलीव करते हैं, पर मेरे हिसाब से जहाँ शब्द हों उनको अच्छे से बोलना, उनको एक्सप्रेस करते हुए गाना, क्योंकि एक लिरिसिस्ट ने बहुत कुछ सोच के उसको लिखा होता है, अगर सिंगर उसके साथ इंसाफ नहीं करे और अगर हम शास्त्रीय संगीत को सिखाते दौरान हम बच्चों को ये ना सिखाएं कि लिरिक्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं, तो मेरे हिसाब से 50% जो है संगीत का जो असर है वो रह जाएगा, इसलिए हमने लिरिसिस्ट का थीम रखा। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम जी, थैंक यू।